देश कोरोना लड़ाई में विजयी होई भारत सफलता को विश्व प्रशंसा करुछे तेरे विरोधी दल पक्ष समालोचना करा राज्यसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव उपरे राज्यसभा उत्तर रखिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबुठ बड़ टीकाकरण अभियान आम देश में चली एणु एवं टीकाकरण नहीं सारा विश्वर नजर आज भारत उपरे मोदी से संकट समय रे राज्य और केन्द्र मिलमिशी काम कले देश में विरोध करने को अनेक प्रसंग रही जो सारा विश्व भारत को प्रशंसा करुच्ची विरोधी परिहास करुंट प्रधानमंत्री सेपटे भारत गणतंत्र उपरे मत रखिंट मोदी कही भारत राष्ट्रीयता हूँ सत्यम शिवम सुंदरम देशर गणतंत्र बहुत मजबूत आम गणतंत्र आम लोकों द्वारा ही परिचालित सेपटे कोरोना समय देश में सबुठ अधिक पूंजी निवेश होछि भारत विश्वर द्वितीय सर्वाधिक मोबाइल निर्माणकारी देश भारत में चाउल उत्पादन रेकर्ड स्तर में पहुंची हमारे कृषि क्षेत्र में समस्याएं है कोई ये तो मना नहीं कर सकता समस्याएं नहीं है लेकिन समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा और मैं मानता हूं कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं और सरकार भी अच्छे सुझावों को और सिर्फ हमारी नहीं हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया यही तो लोकतंत्र की परंपरा है और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा लगातार हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है एक दूसरे की बात को समझने का समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे हैं ये ठीक नहीं है आप उनको सबको ले जाइए आप आंदोलन को खत्म कीजिए आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे रास्ता खुले है ये सब हमने कहा है मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं ये बात निश्चित है हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए हमें आगे बढ़ना चाहिए देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए पक्ष हो विपक्ष हो आंदोलनरत साथी हो इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए